उत्तर प्रदेश माध्यमिक बोर्ड ने बीते दिन 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। साल भर की मेहनत और संघर्ष के नतीजों ने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। इसी क्रम में रामलला की पावन भूमि अयोध्या के आंशिक दुबे ने प्रदेश में 10वीं में चौथा स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। जानकारी के मुताबिक अयोध्या के निराला नगर के ओपीएस इंटर कॉलेज के छात्र आंशिक दुबे ने 10वीं की परीक्षा में 97.50% अंक प्राप्त कर प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया है। उनके इस सफलता पर स्कूल समेत हर अयोध्या वासी को गर्व हो रहा है। इंडिया पब्लिक खबर से बात करते हुए उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय कॉलेज के सभी शिक्षकों और माता पिता को दिया। ये बहुत बड़ी बात नहीं है यूपी में टॉप 4 आना, ये वो, लेकिन ठीक है सर, इसका श्रेय पेरेंट्स और टीचर्स को देंगे। नो सर, कोचिंग नहीं करते थे और पढ़ाई का मतलब कोई फिक्स रूटीन नहीं था, क्योंकि अगर फिक्स मतलब करते हैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बीच बीच में, इसलिए जब भी स्टडी करें तब फोकस होके करते थे। वहीं ओपीएस इंटर कॉलेज की छात्रा आयुषी राय ने 10वीं में 96% अंक लाकर जिले के साथ माता पिता का नाम रोशन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय स्कूल वालों को दिया और बताया कि वो इंजीनियर बनना चाहती हैं। 96% से पास हुए और ओपीएस इंटरमीडिएट कॉलेज की हैं, आयुषी राय नाम है, और इन सबका सारा श्रेय मेरे सारे टीचर्स और प्रिंसिपल को जाता है और मेरे पेरेंट्स भी इनके श्रेय में हैं। यही बच्चों से यही अपील रहेगी कि वो लोग भी पढ़े, मेहनत करें, उन लोग को भी और हम भी मेहनत करेंगे। उधर निधि मौर्या ने 10वीं की परीक्षा में 95.66% अंक हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि कई बार मैं निराश हुई लेकिन हार नहीं मानी, आगे चलकर मैं IAS अधिकारी बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहती हूँ। 95.66% पाई हूँ और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, अपने शिक्षकों और अपनी दीदी को देना चाहूँगी। मेरी दीदी अक्सर मुझे उत्साहित करती रहती हैं इसके लिए, मैं कई बार जब निराश हो जाती हूँ IAS के लिए तैयारी करना चाहती हूँ। वही कॉलेज के बच्चों की सफलता पर प्रधानाचार्य सिराजुल हक ने भी छात्र छात्राओं को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज के आंशिक दुबे ने यूपी में चौथा स्थान हासिल किया है, उसे हम मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज के 29 बच्चों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। इस दौरान कॉलेज के प्रबंधक राणा अमर सिंह, राणा अजय सिंह ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। आज हमारे यहाँ आंशिक दुबे ने यूपी में चौथी पोजीशन प्राप्त की है, जिनका 97.5% है और 585 नंबर प्राप्त किया है। इसके लिए और 90% से ऊपर 29 बच्चे प्राप्त किए हैं, 96 भी है, 95 भी है, एक इस समय ये किसी भी कॉलेज के लिए बहुत बड़ी खुशी का क्षण है। और हम इसके लिए जितने हमारे टीचर हैं, हमारे जो स्टाफ के लोग हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, और हम सबको मुबारकबाद देते हैं। और सबसे बड़ी खासियत हमारे कॉलेज की ये भी है कि हमारे यहाँ कोचिंग के लिए हम लोग मना करते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे कोचिंग ना करें, और इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। और इसमें रही बात ये कि बच्चे को टाइम मिल जाता है घर पे पढ़ने का, सेल्फ स्टडी का टाइम मिलता है, तो ज़रूरी है किसी भी रिजल्ट के अच्छे हो, जब तक बच्चा घर पर 8 से 10 घंटे बैठ के पढ़ेगा नहीं तब तक कामयाब मतलब इस तरीके के रिजल्ट आने मुश्किल हो जाते हैं। तो हम अपने इन सारे स्टाफ वालों को, सारे बच्चों को फिर एक बार तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। और हमारे यहाँ टीचरों ने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया, उसको टीचर गार्जियंस ने हैंडल भी किया है, और मौके पर हम लोग गार्जियंस को बुला करके और बच्चों से मिलते भी रहते हैं कि बेटा किसी तरीके कोई दिक्कत हो तो हम लोग को बताना। और हम उम्मीद करते हैं कि हम इससे अच्छा भी रिजल्ट आगे देंगे, इसके लिए हम लोगों ने तैयारी और कर रखी है। बता दें कि यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा में इस साल 89.78% छात्र छात्राएं पास हुए, तो वहीं 12वीं में 75.52% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। 10वीं में जहां 86% लड़कों को सफलता मिली है, तो वहीं 93% लड़कियां पास हुई हैं। 12वीं में 69% लड़के पास हुए हैं और 83% लड़कियां पास हुई हैं। इंडिया पब्लिक खबर के लिए अयोध्या से संवाददाता विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।